ये प्रॉब्लम, ये कोई ग्रोथ नहीं बना रही थी, यानी इस पे काला थ्रिप्स वगैरह बहुत ही सारे अटैक थे, या तो मतलब से मैं इनको निकाल के दूसरा क्रूप डालने वाला था। मतलब आप इसको एंड करके हाँ दूसरा दूसरा फसल क्रूप में, लेने वाले हाँ थे, दूसरा तो फसल लेने वाला, मतलब आपने क्या क्या स्प्रे किए थे उसके पहले? पूरा अपना ये एस्पोनस ये सब कुछ केमिकल सब था, केमिकल वाले सब बारी बारी हाँ यूज किया, यूज किया, मगर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मतलब क्या प्रॉब्लम था? चूरड़ा मुरड़ा कुछ पूरा क्या? पूरा चूड़ा मोटा था, ये फसल ऐसी नहीं थी, पूरा चूड़ा मोटा था। और ब्लैक थ्रिप्स? ब्लैक थ्रिप तो इतने थे, हाँ एक फूल में कम से कम 50 50 ब्लैक थ्रिप थे। नमस्कार किसान साथियों, मैं किशोर पाटिल वाईके लेबोरेटरी हर्बल हाउस की तरफ से आज महाराष्ट्र के धुलिया डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ। आज हम एक चिली के फार्म में खड़े हैं। ये चिली का प्लॉट एक हमारे किसान साथी है उनके खेत में आए। पहले तो हम उनका परिचय जान लेते हैं। सर आपका नाम क्या है? बाड़ा साहेब सूर्यकांत पाटिल, मुकाम पोस्ट कालखेड़ा, तालुका जिला धुलिया। तो आपको ये मिर्ची का प्लॉट कितने दिन का है? ये मिर्ची का प्लॉट अपना लगभग 3 महीने का हो गया। 3 महीने का। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आई थी? तो वाई के लैब का जो ट्रीटमेंट किया कितने दिन हुए आपको? अब लगभग मुझे 1 महीना हो रहा अभी। 1 महीना हुआ। हाँ 1 महीना हो रहा, अच्छा, तो 1 महीने में मतलब ये प्लॉट के इस कंडीशन में था, पूरा खराब हो चुका पूरा था। खराब था, मतलब इतना बड़ा भी नहीं था, इतने छोटे छोटे पेड़ थे और पूरा पूरे ऐसे खिंचे हुए पेड़ थे, सिकुड़ और चुका था। ब्लैक थ्रिप्स और पूरे सारे अटैक थे उनमें। तो आप रोटर मारने वाले थे, हाँ रोटर मारने वाला था फिर ये पूरा चेंजेस कैसे आ गया? ये। आप वाइकल ऑपरेटर के किशोर पाटिल, उनका नंबर मिला, यानी आपका जो नंबर मिलने के बाद मैं उनसे कांटेक्ट किया, तो कांटेक्ट करने के बाद उसने मुझे ये सपोर्ट किया पूरा तो आप अभी वाईके का पूरा शेड्यूल यूज कर रहे पूरा हैं? शेड्यूल यूज कर रहा हूँ मैं वाईके का। हमारे दर्शक साथी भी देख लेंगे। वायु यंत्रा, ये पहला स्प्रे लिया था? ये पहला स्प्रे वायु यंत्रा, और हाँ वायु यंत्रा पहला स्प्रे और लिया। दूसरा क्या लिया था? हाँ पलट पलट दूसरा स्प्रे वायु यंत्रा और आयुष लिया था मैंने, जी ये वाला। तो अब तीसरा ये लिया था वाईके स्टार, और ये मैंने ये लिया था। यही है क्या? हाँ और जड़ों में प्रॉब्लम थी, क्या किया था हाँ आपने? जड़ों में सर फॉक्स रोटिक्स यूज किया, फॉक्स रोटिक्स यूज किया। तो किसान साथियों, जो जो आपका कोई भी फसल हो, जो भी प्रॉब्लम है आपका, आप एक बार वाई के लेबोरेटरी का ट्रीटमेंट लेकर देखिए। आप जब सेटिस्फाइड हो जाए, तो अभी ये सारे किसान हैं हमारे साथ जुड़े, ये किसानों को मतलब इतना प्रॉब्लम था इधर चिली में, अभी आप हाँ इधर लाइव देखो, एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये देखो कितना लोड है, ये देखो ये लो। खबर है। अभी लास्ट कटिंग कितना हुआ आपका? अपना लास्ट कटिंग 22 क्विंटल का हुआ, क्या रेट मिला? वो अपना 70 रुपये रेट का मिला, और अगला कितना निकलेगा? अगला कम से कम 40 45 क्विंटल निकलने वाला है। अभी रेट क्या चल रहा है? अभी चल रहा 70 75 ऐसे तक चल रहा रेट चल रहा है। हाँ। मतलब आप वाई के लेबोरेटरी के ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड है? बहुत खुश है। अभी आपके नजदीकी कुछ फार्मर्स आए, हाँ इनको कैसा लगता है? सर आपका नाम क्या है? योगेश ज्ञानेश्वर पाटिल। आप कौन से गांव से? बिरडाने गांव से, तालुका जिला धुलिया। धुलिया। आप? मेरे गांव यही है, मेरा नाम राजू पाटिल है। तो मेरे को प्लॉट देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। मेरा भी दूसरा एक प्लॉट है, और मेरे को वहाँ पे थोड़ा साइड पे दिख रहा है मेरे को, तो आपको भी मेरे खेत में आने की जरूरत है ऐसा मैं सोच रहा हूँ। आपका ही प्रॉब्लम है? आपको मेरा ही प्रॉब्लम है। आपको अभी तक आप सब केमिकल यूज करके थक चुके हैं, मतलब अब इस ट्रीटमेंट से आपको क्या लगता है कि अभी ऐसा लग रहा है मेरे को, आपसे मुलाकात होने के बाद में जो यूरिया होता है, जो रासायनिक जो खत होते हैं वो कम यूज करने का, जो अपना सेंद्रीय खत रहता है वो ज्यादा ये करने का। और वाई के लेबोरेटरी के ट्रीटमेंट के बारे में आपके क्या ख्याल है? बहुत एक नंबर क्वालिटी है और अच्छा भी है। आपको यह जो प्लॉट है वो प्लॉट देखने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर आप कहाँ से? मैं भिड़ाने तालुका जिला धुले से हूँ, और ये प्लॉट देखने के लिए हम खास कर मतलब 2 3 दिन से सोच रहे थे। आज आपके यहाँ पे आपकी जो मीटिंग होने वाली थी इसलिए हम आए, और ये प्लॉट देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि मेरा प्लॉट पूरा खत्म हो चुका था और मैं वहाँ पे रोटर करने वाला था, तो 1 महीना का ट्रीटमेंट लिया और आज प्लॉट पूरा क्लीन हो गया है। तो ये देख के हमें भी लग रहा है कि चलो हम भी यूज करेंगे, और हमारी प्लॉट जो खराब हुआ है वो भी अच्छा। और एक खासियत ऐसी है इसकी, पूरा प्लॉट मल्ची पेपर पे, अच्छा पूरा क्लीन प्लॉट दिख रहा है, वही खासियत है। मतलब से ये मेरा पहले तोड़े में ये जो फल था ये बहुत ही इतना इतना था,
अभी इसकी साइज भी बढ़ गई है और बहुत ही क्लीन, यानी मार्केट में तो अपना माल एक नंबर बिकेगा, इसे गारंटी मुझे एक नंबर बिकेगा। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम मुड़ी मॉडल से, तालुका अमनेर, जिला जलगांव। हम यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। हमको ये औषधि के बारे में योगेश भाई ने बताया और ये प्लाट देख के अद्भुत हो गए हम। हमारा भी 4 एकड़ मिर्ची लगाया है, लेकिन मिर्ची का आज कंडीशन आपको दिखाया फोटो में, आज वैसी कंडीशन इनकी 1 महीने थी पहले थी। ये मिर्ची हम देख रहे हैं ना, 1 महीने थी पहले थी। तो अब हम ये प्लाट देख के अचंबा लगा हो गए सब। इतना माल बढ़िया और इतना प्लाट अच्छा हो गया था। हमको ये प्रोडक्ट के बारे में यूज करने के लिए हम सब तैयार है और ऑर्गेनिक खेती में हम सब तैयार हो गए। कितना एकड़ में इतना उत्पन्न आया? ये अपना 1.5 एकड़ प्लाट है मेरा। 1.5 एकड़ में अभी मुझे कम से कम 40 क्विंटल का एक कटिंग होगा। हाँ, एक कटिंग होगा। मतलब आज के रेट के हिसाब से 80 रुपए का रेट है, मतलब 3 लाख के ऊपर एक, मतलब 7 या 8 दिन का कटिंग में 3 लाख का इनका हार्वेस्टिंग हो रहा है। तो ये प्लाट कितने दिन चलेगा? ये प्लाट मुझे लगता है यही प्रोडक्ट यूज किया तो कम से कम मेरा 8 से 10 महीना फाइनल चलेगा। मतलब इस हिसाब से अगर इस हिसाब से यही ट्रीटमेंट चला तो। अच्छा, अभी वाइब लाइट का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।